फिल्म की शुरुआत में हमें एक चोर दिखाया जाता है जो कि चोरी के मकसद से एक व्यक्ति के पीछे लगा हुआ होता है। अब वो चोर उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक अबैंडन जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कि उसके ऊपर पीछे से हमला होता है और हमला होने के बाद सीधा उसकी आंख खुलती है अपने आप को बंधा हुआ पाके और वो यहाँ वहाँ देखता है तो बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखती है कि साइंस से रिलेटेड होती है और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें होती है। बस इसी के साथ हमें एक अनजान व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब सा नकाब पहन के आता है और उसको एक इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद वो तड़पने लगता है और इसी के साथ में उसकी आंखों का कलर बदलता है और उसका एक अजीब ही तरह का चेहरा बन जाता है जहां हमें पता चलता है उसे ज़ॉम्बी में परिवर्तित कर दिया गया। इसी के साथ मूवी का टाइटल आता है ज़ॉम्बी रेडी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर चिमी पर। अब हमें मिलवाया जाता है मूवी के कुछ किरदार से जहां पे की है मारियो जो की मूवी का लीड हीरो है, मैगी और उसके कुछ और दोस्त। और मारियो इस चिंता में था कि उसकी गेम हर बार हायर लेवल पे जाने के बाद क्रैश हो रही है। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से काम है इसका, ये बनाते गेम डेवलपर्स हैं ये सारे। बस इसी तरह से जिसने गेम की कोडिंग की होती है इसका नाम होता है कल्याण। बस अब इसी तरह से मारियो अपने दोस्त कल्याण को कॉल करता है जहाँ पे कल्याण को वो कॉल करता है तो कल्याण बताता है कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है इसलिए मैं शादी करने के लिए आया हुआ हूँ। तो वो मारियो को भी इन्वाइट कर लेता है रुद्रपुरम भूमा रेड्डी के घर पे। तो बस ये निकल जाते हैं इसी तरह से। अब मारियो के दोस्त को एक मच्छर काट लेता है जहाँ पे की मच्छर के काटने के बाद वो मारियो को बोलता है टैबलेट निकाल के दे और एक टैबलेट लेके खा लेता है जहाँ पे की वो पूछता है किस चीज की है तो वो बोलता है मलेरिया की है। उसके दोस्त को हर छोटी छोटी बीमारी से परेशानी रहती है और वो हमेशा बहुत सारी गोलियां खाते रहता है। अब ये देखने के बाद मारियो गुस्सा आता है, तू कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए दवाइयां खाता रहेगा। और ये लड़ रहे होते हैं रास्ते के बीच में, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी बीच में आता है और वो कार ठोक देता है मारियो का दोस्त, जहाँ पे की वो आदमी रास्ते में ही गिर जाता है। अब मारियो और उसका दोस्त देखने के लिए जाते हैं उसे, जहाँ पे की मारियो का दोस्त उसकी सांसें चेक कर रहा होता है कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन इसी के बीच में वो अपनी आंखें खोलता है और उसके हाथ पे काट लेता है जहाँ पे कि वो मारियो का आवाज मारता है और बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को छुटाता है। जहाँ पे कि हम उसका चेहरा देख पाते हैं ये वही चोर है जो शुरुआत में हमने देखा था एक आदमी को लूटने जा रहा था, लेकिन इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे ज़ॉम्बी बनाया गया। अब वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही बुढ़ाऊ साइंटिस्ट आता है जिसने कि उसे ज़ॉम्बी में परिवर्तित किया है और वो पीछे से आने के बाद उसे इंजेक्शन मार देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और वो साइंटिस्ट मारियो और उसके दोस्त को बताता है कि ये पागल है, इसी तरह से भाग के आ गया है, तो चिंता मत करो मैं इसे ले जाता हूँ। बस इसी के साथ वो वहां से उसे ले जाता है जहाँ पे कि मारियो का दोस्त बोलता है मुझे पागल इंसान ने काटा, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा ना। जहाँ पे बोलता है अबे तू पहले से ही पागल है। बस इसी के साथ ये लोग निकल जाते हैं गांव की तरफ और किसी न किसी तरह से पूछते पाछते पहुंचते हैं भूमा रेड्डी के घर पे। अब आपका कुछ लोगों से परिचय करवा देते हैं। ये है इसका दोस्त कल्याण जो कि जिन जैसा दिख रहा है और बहुत ज्यादा खुश है अपनी शादी होने से। अब इससे मिलिए ये है फिल्म की लीड हीरोइन सैलजा। इससे मिलिए ये है जिसकी बेटी की शादी होने वाली कल्याण से यानी कि मारियो के दोस्त से जिसका नाम है भूमा रेड्डी। इसी के साथ इसके रिश्तेदारों के बारे में जान लीजिए। ये है वीरा रेड्डी जो कि भूमा रेड्डी के रिश्तेदार है लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है जिसने कसम खाई है उसके दामाद की बलि चढ़ाने के लिए। उसका दामाद कौन बनने वाला है? कल्याण यानी कि मारियो का दोस्त। बस इतना बहुत है अभी के लिए, बाकी अब आते हैं कहानी पे वापस। मारियो पहुंचने के बाद अपने दोस्त कल्याण से बोलता है मुझे जल्द से जल्द गेम का बग ठीक करके दे, जहाँ पे कि वो बोलता है चिंता मत कर जल्दी ठीक कर दूंगा, तब तक तू मेरी शादी को एंजॉय कर। बस इसी के साथ मारियो बहुत कुछ देख रहा होता है जहाँ पे कि एक बकरी को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाया जा रहा होता है और जिस तरह से उसे पकड़ के लेके जाया जा रहा होता है उसी तरह से उसके दोस्त कल्याण को लेके जाया जा रहा होता है। इसी के साथ अब मारियो और भी बहुत कुछ नोटिस करता है जहाँ पे कि मंदिर में बात कर रहे होते हैं इस बकरी की बलि चढ़ेगी यानी कि उसके दोस्त कल्याण की, और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ अजीब देखता है वो, जहाँ पे कि वो सैलजा को भी एक अजीब गतिविधि करते हुए देखता है। अभी इन्हीं सारी चीजों से उसे पता चल जाती है सच्चाई कि किस तरह से भूमा रेड्डी और उसके रिश्तेदार वीरा रेड्डी के बीच में दुश्मनी है। अभी इसी बात को बताता है अपने दोस्त कल्याण को, लेकिन उसका कल्याण दोस्त अपनी शादी और स्वागत में इतना ज्यादा खुश हो चुका होता है कि किसी भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। इसीलिए तो है ज़ॉम्बी रेड्डी, रेडी हो जा अब तेरी बलि चढ़ेगी। बस इसी के साथ वो उसकी बात नहीं सुनता, उसे इग्नोर करता है और अब आता है शादी का दिन जहाँ पे कि उसकी शादी हो जाती है। इसी के साथ अब हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मारियो के दोस्त को काटा गया था उसी ज़ॉम्बी के द्वारा, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो घर वालों पे अटैक कर रहा होता है जिसमें से कि वो सबसे पहले एक नौकरानी को काटता है और इसी तरह से धीरे धीरे चेन बनती जा रही होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मारियो का दोस्त कल्याण बहुत खुश होता है, उसकी स्वागत होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी की वाइफ को ऑलरेडी इन्फेक्टेड कर दिया गया और वो ज़ॉम्बी बन चुकी है, जहाँ पे कि ये बात पता करने में उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और देख लीजिए आगे क्या हो रहा है।
इसी के साथ अब बाहर भी बहुत सी अलग अलग गतिविधियां होने लगती है, जहाँ पे कि लोग अजीब तरीके से एक दूसरे को काटने लगते हैं और बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। इसी के साथ जो मारियो है और उसके साथ में जो बाकी कुछ लोग हैं, वो सब गेट बंद कर लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित करते हैं कि ना जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी ज़ॉम्बीज की मूवी देखी है, जहाँ पे कि उनको कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी पता है। तो बस वो गेट बंद कर लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, बोलते हैं कि घर में कोई नहीं आने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से एक दादी अम्मा आती है उसी घर की, जो कि आने के बाद उसी के घर के एक सदस्य को काट लेती है, जहाँ पे कि वो भी दिखाता है वो ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन जैसे ही मारियो के पास में आता है, मारियो से पकड़ के दो थप्पड़ मारता है और बताता है नकली रात है जिससे उस बुढ़िया ने तुझे काटा है, और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ उसे किसी न किसी तरह से वो उलझा देते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। अब मारियो और बाकी लोगों को पता चलता है वीरा रेड्डी के लोगों ने कल्याण को किडनैप करवा लिया है। इसी के साथ परिवार का एक सदस्य बोलता है कि हम घर पे ही रहेंगे, हम यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। बस इतना बोलने की इसकी देर थी, जहाँ पे कि देख लीजिए क्या हुआ है, खिड़की तोड़ के बाहर आ रहे होते हैं ज़ॉम्बी सारे। बस इसी के साथ वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और प्लान बनाते हैं यहाँ से निकलने के लिए, और किसी न किसी तरह से गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे कि मारियो की दोस्त मैगी बोल रही होती है घर पहुंचने तक ब्रेक मत मारियो, चलाते रहे गाड़ी को। लेकिन तभी मारियो यू टर्न मारता है और पहुंच जाता है सीधा वीरा रेड्डी के घर के पास में, जहाँ पे कि उसे बचाना है अपने दोस्त कल्याण को। बस सभी लग जाते हैं कल्याण को बचाने में। अब मारियो पहुंचता है अपने दोस्त के पास में, और जब उसे वो छुटाता है तो उसके साथ में एक लड़की होती है जो कि बंदी होती है। जैसे उसे वो खोलते हैं तो पता चलता है ये भूमा रेड्डी की शादी में जाने वाली थी, लेकिन इसे किडनैप करके रख लिया गया है और इसकी जगह पे शैलजा रेड्डी गई है, जो कि वीरा रेड्डी की बेटी है। तो शैलजा रेड्डी भी बदले की आग में ही वहां गई हुई थी। अब हमें ये सच्चाई पता चलती है, जहाँ पे की शैलजा रेड्डी ऑलरेडी बता चुकी होती है अपने बाप रेड्डी को, तो वो इन सभी को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे एक फैमिली ड्रामा चल रहा होता है, जहाँ पे की एक दूसरे को मारने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के बीच में वहां से एक बड़ू उठता है जिसको कि ऑलरेडी ज़ॉम्बी बना दिया गया है। अब इसी का मौका उठा के जो मारियो है वहां से निकल लेता है अपनी टीम के साथ में, और वो लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं। अब मारियो देखता है पूरे गांव में सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया गया है, और वो सभी जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बियों को देख रहा होता है। इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है वीरा रेड्डी के लोगों को, जहाँ पे कि वो चिल्ला रहे होते हैं, जिसमें से कि एक आदमी सुनने के बाद बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना जाने ये हम पे चिल्ला नहीं रहे, ये दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं, जहाँ पे कि ज़ॉम्बी बनने के बाद उन लोगों को ना जाने कहाँ कहाँ काटा जा रहा होता है। बस इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है पूरे गाँव में लोग ज्यादातर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो सभी लोगों को काट रहे होते हैं, जहाँ पे कि शैलजा के पिता वीरा रेड्डी को भी सभी ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और एक घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे कि शैलजा रेड्डी समझ जाती है अब वो नहीं बचेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। बस इसी के साथ वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है और वो सभी ज़ॉम्बियों को अपने ही स्टाइल में सबको मारने लगती है। इसी के साथ मारियो और उसकी टीम भी फैसला करती है और सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो इसी तरह से हर तरीके से बहुत सारे लोगों को, या फिर यूं कह लो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन वो मारते भी तो कितना मारते हैं, वो बहुत ज्यादा थे। इसी के साथ में मारियो की दोस्त मैगी गोलियां चला रही होती है, तो एक समय आता है जहाँ पे कि उन्हीं के टीम का बंदा जिसको कि सबसे पहले इन्फेक्टेड किया गया था वो सामने आ जाता है। तो मैगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है उसको देखने के बाद में, जिससे कि वो उस पर गोली नहीं चलाती है, और बस इसी की वजह से वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब वो सब ये बात समझ चुके होते हैं कि ये ज़ॉम्बीज खत्म नहीं होंगे, तो बस वहां से निकल जाते हैं गाड़ी लेके और जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो कल्याण अपने दोस्त मारियो को बोलता है कि मेरी ही गलती है, जब तूने शुरू में बोला था जाने के लिए तभी चले जाना चाहिए था। अब जब शुरू में बोला था ये शब्द सुनता है तो मारियो कुछ क्लिक होता है कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो एक पागल पेशेंट आया था, जहाँ पे कि वो बड़ा साइंटिस्ट भी था। बस इसको क्लिक होता है और मारियो उसी अबेंडेंट जगह पे पहुंच जाता है, फिर उसी घर पे पहुंच जाता है जो साइंटिस्ट का घर है। बस इसी तरह से वो वहां पे पहुंचते हैं और देखने लगते हैं आसपास, जहां पे कि सभी एक्सपेरिमेंटल चीजें थी और वही साइंस से रिलेटेड चीजें दिख रही थी। पर इसी के साथ उन्हें बहुत कुछ अजीब भी वहां पे फील होने लगता है। अब वहां से निकल के आता है वही साइंटिस्ट जिसने कि इन सभी को ज़ॉम्बी बनाया है, और उस साइंटिस्ट को देखते ही पहचान जाता है मारियो कि ये वही साइंटिस्ट है जो शुरू में हमें मिला था, और यही साइंटिस्ट है इसकी वजह सब कुछ हो रहा है। तो बस उसे पकड़ता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है, जहाँ पे कि वो साइंटिस्ट उगलना शुरू करता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, जहाँ पे कि लोगों ने मेरी कदर नहीं की और मेरे एक्सपेरिमेंट को इलीगल घोषित कर दिया। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और अब मैं किसी कुत्ते या बिल्ली पे नहीं करता, सीधा ही इंसानों पे करता हूँ, जहाँ पे कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और मैंने एक ऐसा वायरस बना लिया जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। तो बस इतना सुनने के बाद शैलजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि क्या पागल साइंटिस्ट है, और उसे मारने जा रही होती है। पर तभी वो साइंटिस्ट बोलता है रुक जाओ मेरे पास में इसका इलाज भी है, पर वो इलाज देने से उन्हें मना कर देता है कि मैं इलाज तुम्हें नहीं दूंगा, ये जो इलाज है इससे मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो दुनिया पे राज करने वाले साइंटिस्ट की बत्ती गुल हो जाती है, यानी कि उस जगह पे पूरी बत्ती गुल हो जाती है, और पता चलता है जिस व्यक्ति को उसने सबसे पहले ज़ॉम्बी बनाया था वो वहीं पे मौजूद है। और इसी के साथ में वो उसे ही पकड़ लेता है, और जब उसे देखा जाता है तो उसका काम तमाम कर चुका होता है। और जब सभी लोग
लोग इसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब भागते हुए एक जगह पे जाके शैलजा गिर जाती है जहाँ पे कि वो जॉम्बी उसके पास में आता है और उसको नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है, पर तभी बीच में मारियो आता है और उसे रोकता है, लेकिन वो भी नहीं रोक पाता है। तो तब उसके खुद के ऊपर हमला होने वाला होता है, पर तभी हीरो बन के आता है कल्याण का ससुर जी जो कि है भूमा रेड्डी, और सीधा गोली मारता है उस जॉम्बी के और उस जॉम्बी की कहानी वहां पे कर देता है खत्म। बस इसी के साथ ये सभी लोग निकलने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं कि हमारे गांव का और मेरे पूरे परिवार का ना जाने क्या हो गया है। बस इसी से अब मारियो को याद आता है कि उस साइंटिस्ट ने बोला था कि इन सब का इलाज है, तो बस वो कैमरे में देखने लगता है कि क्या इलाज है जो कि उसने साइंटिस्ट के वहीं से उठाया होता है। अब जब मारियो उस कैमरे में देख रहा होता है तो साइंटिस्ट वहां पे दिखता है उसे, और साइंटिस्ट एक मंदिर के अंदर होता है जहां पे कि वो बोल रहा होता है इलाज मिल गया इलाज मिल गया, लेकिन इससे पहले कि ज्यादा कुछ कहे वो कैमरा वहां पे कट हो जाता है, बंद हो जाता है। बस इसी के साथ मारियो समझ जाता है कि मंदिर के अंदर ही इलाज है और पहुंच जाता है मंदिर के वहां पे, पर अंदर जाने से पहले ही शैलजा अंदर जाने से मना कर देती है, इसलिए क्योंकि उसके हाथ पे भी ऑलरेडी ज़ॉम्बीज के द्वारा हमला कर दिया गया होता है। बस ये देखने के बाद वो जाने से मना करती है, पर वो बोलता है साथ में चलो देख लेंगे जो होगा। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद वीरा रेड्डी वहां से निकल के आता है, यानी कि शैलजा का पिता, और शैलजा ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका पिताजी अभी भी जिंदा है। बस अभी वो खुश हो ही रही होती है कि वीरा रेड्डी के ऊपर ज़ॉम्बी हमला करता है जिससे कि उसको बचाता है भूमा रेड्डी, और भूमा रेड्डी जैसे उसे बचाता है तो सारे पुराने गिले से कुए दोनों मिटा देते हैं और हाथ मिलाते हैं और एक साथ लड़ने का डिसीजन लेते हैं इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ। बस मारियो ने ऑलरेडी देख लिया होता है वीडियो के अंदर जहां पे एक चिन्ह होता है महादेव के मंदिर में, तो बस उस चिन्ह को ढूंढने के लिए सभी को कहा जाता है और सभी लोग ढूंढने में लग जाते हैं। अब जैसे ही मारियो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचता है तो पता चलता है शैलजा भी बन चुकी है ज़ॉम्बी, और ये देखने के बाद उसे मजबूरी में अपने आप को बचाना पड़ता है जहां पे कि उसके ऊपर हमला करता है, तो वो सीधा गिरती है महादेव के शिवलिंग के पास में जहां पे कि उनके ऊपर चढ़ाया जाने वाला पवित्र पानी गिर रहा होता है और वो उसके मुंह में गिरता है, तो हमें पता चलता है कि शैलजा ठीक हो गई है। और ये देखने के बाद में मारियो है समझ जाता है कि यही इसका क्योर है, और वो चिन्ह भी वहां पे मौजूद होता है। बस इसी के साथ में वो शंखनाद बजाता है जहां पे कि सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है और सभी ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा के भागते हुए जाता है महादेव के पवित्र पानी के पास में जहां पे कि वो कूद जाता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी उसके हाथ में कूद जाते हैं। बस इसी के साथ सभी ज़ॉम्बी ठीक हो जाते हैं, और अब हमें दिखाया जाता है घर पे सीन जहां पे कि सभी लोग अब हंसी खुशी रहते हैं एक साथ और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बस इसी के साथ में इनडायरेक्टली शैलजा भी अपने प्यार का इजहार करती है मारियो के साथ में, और सभी लोग वहां पे बहुत खुश होते हैं। अब मारियो इसी के साथ जा रहा होता है अपनी दोस्त मैगी और उसके एक और दोस्त के साथ में जो कि ज़ॉम्बी बन गया होता है, उन्हें भी ठीक कर दिया गया होता है। बस इसी के साथ इस फिल्म की होती है एक हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली बार भी आपको अच्छी कहानियां मिलती रहे, और बाकी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न।